हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रिपरेशन ऑफ इथर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा, मतलब जल का निकलना अल्कोहल से। अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल जब सांद्र एस्टोसोफोर से क्रिया करते हैं 413 केल्विन पर, तो ईथर का फॉर्मेशन होता है और इसमें से जल रिमूव हो जाता है। दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड की क्रिया H2O से हीट करते हैं तो यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए, तप्त एलुमिना से, अगर तप्त एलुमिना L2O3 से रिएक्शन करवाई जाती है 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल एथिल अल्कोहल के लिए जाते हैं और ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर भी जल का रिमूव होता है। ठीक है, अब डाई एजो मेथेन से रिएक्शन कराई जाती है। मेथेन मेथेन से दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हटकर नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन एटम हटकर दो नाइट्रोजन परमाणु आ जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे डाई एजो मेथेन का फॉर्मेशन, डाई एजो मेथेन की क्रिया एथिल अल्कोहल से होती है तो यहाँ पे ईथर का फॉर्मेशन होता है। लास्ट हम देखते हैं गिनयार्ड रिएजेंट से। गिनयार्ड रिएजेंट से किस तरीके से रिएक्शन होती है। हेलोजनीकृत ईथर यूज में लेते हैं। इस रिएक्शन में हम ईथर में से एक हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिप्लेस कर दिया जाता है। इस तरीके से हेलोजनीकृत ईथर होता है ये, और इसकी रिएक्शन RMGX मतलब कि गिनयार्ड अभिक्रमक से करवाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए उच्च ईथर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एल्किल ग्रुप कार्बन से कनेक्ट हो जाता है और उच्च ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है और मैग्नीशियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है MgCl2 के में। देखिए, अगर हम एरोमेटिक ईथर की बात करें तो यहां पर एरोमेटिक ईथर बेंजीन वलय में प्लस एम प्रभाव देता है। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन युग्म यहां पर टूटता है तो ये यहां पर टूटता है वन पोजीशन पर, डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग का। फिर ये बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड यहां पर टूटता है, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑर्थो पोजीशन पर फर्स्ट पोजीशन पर बढ़ जाता है। फिर यहां पर टूटता है तो ये बॉन्ड यहां पर टूटता है, मतलब कि यहां पर 1, 3, 1, 4 और 6 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। देखिए, यहाँ पे 1 और 4 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पे बढ़ा। फिर ये बॉन्ड यहाँ पे टूटता है तो ये बॉन्ड यहाँ पे टूटता है। इस तरीके से यहाँ पे 6 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि एरोमेटिक ईथर में 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है और इसमें 1, 4 और 6 कंडीशन में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, जिसके कारण यहाँ प्लस एम प्रभाव जो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है वह 1, 4, 6 पोजीशन पर बढ़ाता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो देता है वह इजीली देता है 1, 4, 6 कंडीशन में। कल हम इसकी रिएक्शन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।